जय हिंद दोस्तों। देखिए, पिछले सीरीज का बचा हुआ क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। चलिए मित्र, शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है, किसे पूर्व का होमर कहा जाता है? तो मित्र, आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे पूर्व का होमर कहा जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी फिरदौसी। ठीक है, फिरदौसी जी को पूर्व का होमर कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है, ललित कला अकादमी लखनऊ क्षेत्रीय केंद्र 1983 ईस्वी में स्थापित के पहले सचिव नियुक्त किए गए। तो आपको बताना, जो ललित कला अकादमी लखनऊ के क्षेत्रीय केंद्र के पहले सचिव नियुक्त हुए थे वो कौन हुए थे? तो जो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी श्री SL चुग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 78 है, कलावती 1985 ईस्वी तैल माध्यम 101.6 गुणते 106.7 सेमी किसकी पेंटिंग है? तो आपको बताना है मित्र, जो ये कलावती पेंटिंग है निम्नलिखित में से किसकी है? तो जो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी विकास भट्टाचार्य जी। ठीक है, कलावती पेंटिंग आपके विकास भट्टाचार्य जी का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है, आधुनिक शिल्प शिक्षा 1972 ईस्वी पुस्तक के लेखक हैं। तो मित्र, आपको बताना है, जो आधुनिक शिल्प शिक्षा है उस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी विनोद बिहारी मुखर्जी। ठीक है, आधुनिक शिल्प शिक्षा पुस्तक के लेखक विनोद बिहारी मुखर्जी जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 का रहा है, हमजा चित्रावली किसने तैयार कराया था? तो आपको बताना, जो हमजा चित्रावली है उसे किसने तैयार करवाया था? तो जो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी अकबर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है, मुगल जहांगीर काल का एक चित्र शेर के शिकार के बाद जो आपका 1620 और 1630 ईस्वी के मध्य बना, किस तकनीक में निर्मित है? तो मित्र, जो ये चित्र है शेर के शिकार के बाद वो किस तकनीक में निर्मित है आपको बताना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी नील कमल तकनीक। ठीक है, चलिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 का रहा है, शांति निकेतन में हिंदी भवन का फ्रेस्को 1947 ईस्वी में किसने तैयार किया? तो आपको बताना, जो हिंदी भवन का फ्रेस्को चित्र है शांति निकेतन के, उसे किसने तैयार किया? जो 80 का राइट आंसर हो जाएगा मित्र वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी विनोद बिहारी मुखर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। देखिए, कह रहा है, अंग्रेजी की कला पत्रिका मार्ग किसने शुरू किया? तो आपको बताना, जो मार्ग पत्रिका है उसे किसने शुरू किया? तो जो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर हो जाएगा मित्र वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी मुल्कराज आनंद। ठीक है, अंग्रेजी कला पत्रिका मार्ग जो है आपके मुल्कराज आनंद ने शुरुआत किया इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 का रहा है, दशलेव शिव तैल चित्र किसका है? तो मित्र, आपको बताना, जो दशलेव शिव है ये चित्र किसका है? तो जो 77 का राइट आंसर हो जाएगा मित्र वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी JMW टर्नर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। देखिए, कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 82 है, ज्योति भट्ट जिनका जन्म 12 मार्च 1934 ईस्वी को हुआ, किस विधा से संबंधित है?
तो ये जो ज्योति भट्टा है मित्र वो किस विधा से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी प्रिंट मेकिंग। ठीक है, ज्योति भट्ट जो है वो प्रिंट मेकिंग से संबंधित है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है भारतवर्ष में प्रकाशित पहला दैनिक अखबार है, तो आपको होता है ना जो भारतवर्ष में प्रकाशित पहला दैनिक अखबार है मित्र उसका नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी बंगाल गजट। ठीक है, भारतवर्ष में प्रकाशित पहला दैनिक अखबार बंगाल गजट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 का रहा है छपाई कला की खोज 220 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो आपको बताना जो छपाई कला का खोज हुआ था वो निम्नलिखित में से किस जगह हुआ था? तो मित्र जो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी चीन। ठीक है, चीन में छपाई कला का खोज हुआ था मित्र 220 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? तो आपको बताना जो कलमकारी है उसका संबंध किस राज्य से है मित्र? जो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी आंध्र प्रदेश। जो आपका कलमकारी है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है क्वेश्चन नंबर 86 है प्रसिद्ध मूर्ति अपोलो एंड डेफिनी जो कि 1622 से 1625 ईस्वी के मध्य मार्बल माध्यम में और ये संग्रहित है मित्र गैलेरिया बाघेश रोम के मूर्तिकार कौन थे? तो आपको बताना है निम्नलिखित में से अपोलो एंड डेफिनी के मूर्तिकार कौन है मित्र? तो जो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी बर्नीनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो आपको बताना है मित्र जो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे वो निम्नलिखित में से कौन थे? तो जो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी ऋषभदेव। ठीक है, तो मित्र जो ऋषभदेव जी थे वो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव 1962 ईस्वी में नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताना जो कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव पुस्तक है उसके लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो मित्र जो 92 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी M.S. रंधावा। ठीक है, कांगड़ा पेंटिंग ऑन द लव नामक पुस्तक M.S. रंधावा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 का रहा है कान्हेरी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो आपको बताना जो मित्र कान्हेरी की गुफाएं हैं वो किस जगह पर स्थित हैं? तो जो क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी मुंबई। जो कान्हेरी की गुफाएं हैं वो मुंबई में स्थित हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार है, तो आपको बताना जो पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार माना गया है मित्र वो निम्नलिखित में से किसे माना गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी ब्रह्मा। पौराणिक रूप से ब्रह्मा को प्रथम चित्रकार माना गया है। ठीक है, चलिए हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 89 है मूवेल टाइप का आविष्कार 1440 ईस्वी में किसने किया? तो आपको बताना जो मूवेल टाइप का आविष्कार किए थे मित्र निम्नलिखित में से कौन किए थे? तो जो क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जोहान गुटनबर्ग। ठीक है, देखिए मित्र इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है क्योंकि बुक में इसका राइट आंसर ये ऑप्शन दिया हुआ है जबकि इसका होना चाहिए जोहान गुटनबर्ग। जैसा भी हो मित्र आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है अमूर्त कला की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी पेरिस में किस वर्ष हुई? तो जो 93 का राइट आंसर हो जाएगा मित्र वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2
यानी 1930, ठीक है, 1930 ईस्वी में अमूर्त कला की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी पेरिस में हुई। ठीक है मित्र, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 94 है, वर्ष 1913 में आर्मरी शो के नाम से ज्ञात आधुनिक कला की प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी किसके द्वारा आयोजित की गई थी। तो जो 94 का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी वाल्ट कुहन और आर्थर बी डेविस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 का रहा है, तांग वंश के अंतर्गत चीन में वर्ष 868 ईस्वी में छपी डायमंड सूत्र पांडुलिपि किसके संग्रह में है। तो जो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी ब्रिटिश लाइब्रेरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा मित्र। देखिए कह रहा है, दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे 1569 से 70 में बना का मुख्य वास्तुकार कौन था। तो वो हो जाएगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी मिरक मिर्जा ग्यास। ठीक है, तो मित्र यहाँ पे थे कुछ बचे हुए क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। हम उम्मीद करते हैं मित्र आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा मित्र, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।